हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉली स्टाइल। लॉकडाउन में आप सब कैसे आपके स्किन केयर रूटीन मेंटेन कर रहे हो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। और मैंने मेरे व्यूवर्स से ऑलरेडी शेयर किया है कि मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ समर फेस पैक में, समर फेस पैक के ऊपर। उसमें ऑलरेडी मैंने ऑल टाइप स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए जो समर फेस पैक है मैंने बता दिए हैं। आज मैं कॉम्बिनेशन स्किन वाले के लिए एक समर फेस पैक लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको हमारे चैनल के हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड टिप्स के जितने भी वीडियो अपडेट हो रहे हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सबको बता देती हूँ ये कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में तीन टाइप के स्किन आते हैं, एक तो ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन और ड्राई स्किन। ये कॉम्बिनेशन स्किन भी एक टाइप की स्किन है जिसमें आपके फेस के टोटल हिस्से सेम ऑयल बेस्ड नहीं रहते, या सेम ऑयली नहीं रहते, या सेम पूरा ड्राई नहीं रहते हैं, हाफ हाफ रहता है। उसमें मेन जो रहता है वो है फोरहेड, नोज और चिन एरिया काफ़ी ऑयली रहते हैं, और जो चिक्स एरिया है वो ड्राई रहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप मेकअप करते हो तो वो भी प्रॉब्ली सूट नहीं होता है, पूरा अच्छे से नहीं बैठते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए अलग मेकअप रहता है, ऑयली स्किन के लिए अलग मेकअप रहता है। उससे भी बड़े बात है आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करेंगे, कौन सा टोनर यूज़ करेंगे, कैसे आपका स्किन केयर रूटीन रहेगा, आप कौन सा फेस पैक यूज़ करेंगे, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आप जेल बेस्ड आप फेस वॉश यूज़ कीजिए, और मैं ये बताऊँगी कि आप कोई भी होममेड फेस पैक ही आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आप टोनर जब भी आपको यूज़ करना है फेस वॉश के बाद, जब भी आपको टोनर यूज़ करना है, आप सिंपल सा मैं सिर्फ गुलाब जल यूज़ कीजिए, ये मेरे सजेशन है। आप बाहर से कोई भी दूसरा टोनर परचेस मत कीजिए। हमारा मेन काम ही है कॉम्बिनेशन स्किन में जो प्रॉब्लम रहता है ड्राई और ऑयली, उसका एक मीन्स बैलेंस मेंटेन करना, जिसमें आपके स्किन के जितने भी डिस्कलरेशन के इश्यूज है, और ये स्किन में थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा ऑयली, ये जो प्रॉब्लम है ये जो सॉल्व होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज किचन इंग्रेडिएंट्स के मदद से एक फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसके लिए देखिए मैंने बेसन लिए है, इस पर टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ, गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ, एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, और ये रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ये फेस पैक बना के मैं मेरे हैंड्स पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। आप आपके फेस के हिसाब से ये जो प्रोपोर्शंस जो है वो आप मेज़र कीजिए। मैं इसमें बेसन ले लेती हूँ, थोड़ा सा आपको टर्मरिक लेना है, इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल, इसमें दूसरा कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं आपको ऐड करना है, ये रॉ मिल्क से आपको ये पेस्ट जो है ये बनाना है। और इसको बनाने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिए लम्ब्स ना रह जाए, तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। आप अप्लाई करेंगे तो 100% बेनिफिट्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए आपसे बात करते करते ये पैक जो है ये रेडी हो गए हैं, ये बेसन के कलर के जैसे ही दिखेगा। मैं अभी ये पैक मेरे हैंड्स पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने टर्मरिक जो यूज़ किए हैं, टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहते हैं, जो एक्ने पिंपल्स जैसे आते हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। गुलाब जल हमने यूज़ किया है, ये समर में हमारे स्किन को बहुत टाइम तक हाइड्रेट रखने में मदद करेगा और एक कूल फील देंगे। बेसन हम लोगों ने इसके लिए यूज़ किए, आपके फेस में जो भी पार्ट में ऑयली पार्ट है उधर से एक्सेस ऑयल को निकालने में मदद करेगा, और जो नेचुरल ऑयल है उसको स्टोर करने में मदद करेगा।
और हम लोगों ने मिल्क यूज़ किए हैं इसमें, रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में इतने सारे गुड प्रॉपर्टीज है जो आपके स्किन को दिन ब दिन निखारने में, व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग करने में मदद करते हैं। एलोवेरा जेल क्या करते हैं, बहुत डीप से मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करते हैं और आपके स्किन में जितने भी स्पॉट्स के इश्यूज़ है, लाइक पिगमेंटेशन हो गए, व्हाइट स्पॉट हो गए, ब्लैक स्पॉट हो गए, एक्ने पिंपल्स के जिद्दी स्पॉट जो होते हैं, ये भी इससे रिमूव हो जाएगा, धीरे 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 फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फेस पैक जो मैं बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, ये जो बेसन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही डीप क्लीन करते हैं। अगर आप फेस पे जब अप्लाई करेंगे, आपको आपके जो फेस है आपके फेस को बहुत ही डीप क्लीन करके बहुत ही ग्लोइंग एक मीन्स टच लेके आएगा आपके स्किन पे। ये आपसे बात करते करते ये अप्लाई करना ऑलमोस्ट हो गए हैं, ये देखिए। अभी मैं 30 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। आपको ये वीक में आप एटलीस्ट आप 2 times ज़रूर अप्लाई कीजिए, तो आपके स्किन देखिए 1 month के अंदर बैलेंस पे आ जाएगा। ये मैं ओपनली मीन्स चैलेंज करके बोल रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद खुद आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि दीदी आपने जो टिप दिए थे वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। ये देखिए अभी मैं इसको छोड़ दूंगी ऐसे ही, 30 minutes के बाद मैं लाइव रिजल्ट्स आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर 30 minutes मैं मेरे हैंड को ये देखिए नॉर्मल वाटर से क्लीन करके आ गई हूँ। अभी आप एक हैंकी के मदद से इसको ऐसे सोक कर लीजिए पानी को। अभी आप खुद देखिए कितना चेंजेस आए हैं। सबसे मीन्स जो बढ़िया दिख रहा है मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ तक कि ये इतना डीप क्लीन हुआ, इतना मीन्स ग्लोइंग सॉफ्टनेस फील हो रहा है कि मेरे फेस के साथ इसका डिफरेंस देखिए समझ में आ रहा है। ये कितना क्लीन, एक लाइट से गोल्डन टच है इसमें, ये देखिए आप। तो मेरा यही सजेशन है, जिनको कॉम्बिनेशन स्किन है आप ज़रूर ये पैक को यूज़ कीजिए और आपको खुद को समझ में आ जाएगा ये कितना बेनिफिट्स लाएगा आपके लिए। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छे लगे, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे ये चैनल को। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।